लेकिन ये तीनों बातें आज बीएससी का पुनर्गठन करें, नए कानून मापदंड बने, पारदर्शिता से लोगों का चयन हो, पहली मांग। दूसरी मांग, जिन लाखों बच्चों ने पेपर लीक से उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको उचित आर्थिक मुआवजा प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। और तीसरी मांग, वसुंधरा जी के खिलाफ जो हमने आपने मिलकर आरोप लगाए थे, उसकी उच्च स्तरीय जांच करनी पड़ेगी। इन तीनों मांगों को अगर आप सब समर्थन करते हो तो दोनों हाथ खड़े कर मुझे बता दो, ये मांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए।